सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आपका 2 दिन से सेशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द पेपर का एनालिसिस जो हुआ था मेन चैनल के अंदर। तो उस पर पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ था, वो आप लोगों ने देखा होगा। एक वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट डालूंगा अपडेटेड आंसर की के साथ, इस चैनल के अंदर भी आज वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये जो कुछ चीज़ें आप लोग मतलब आप लोगों ने पेपर दिया होगा और सबका ओपिनियन ये है, सबका आपका ये ओपिनियन है कि पेपर टफ था। वी ऑल्सो थिंक, आई ऑल्सो थिंक कि पेपर टफ था। ठीक है, पेपर टफ था, लेकिन अगर आप देखोगे ना 2022 का भी पेपर हुआ था, तब भी बोले हम लोगों ने बोला था कि आज तक का सबसे टफ पेपर था। 21 में हुआ था तब भी यही बात बोला था, आज भी हम कह रहे हैं कि हाँ पेपर टफ था। और अगले साल होगा तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा टफ इस बार था। ठीक है, मतलब 23 से भी ज़्यादा टफ 24 में आ गया, 24 से भी ज़्यादा 25 में आ गया, ये ट्रेंड चलता रहेगा। अब इसका अगर एक चीज़ जो सोचने का आप कोशिश करोगे और अगर हम समझने का कोशिश खुद से करेंगे, खुद से पूछेंगे कि जब हम टफनेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब हम टफनेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उससे जो प्रश्न हैं वो नहीं आए हैं। सपोज करो अगर आपने जो पढ़ा है उसी से प्रश्न आ जाए, कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जो हमने पढ़ा है उससे प्रश्न नहीं आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। तो क्या ऐसा पढ़ें? लोगों ने हिस्ट्री आपको पढ़ा दी, आपको ज्योग्राफी के दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा दी, आपको एनवायरमेंट के स्टैटिक एस्पेक्ट पढ़ा दी, इकोनॉमी पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दिया, फिर भी पेपर टफ है। 22 में भी टफ था, 23 में भी टफ हो गया, इसका क्या रीज़न है? तो एक चीज़ जो है अगर आप समझने का प्रयास करो, जो जो लोग आगे की सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने का, और हो सकता है कई आप में से हैं जिनका पेपर अगर मान लीजिए अच्छा नहीं गया हो, तो ये चीज़ आप मानो। इस चीज़ को मैं 2020 से आई हैव बीन हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बनाओ। अगर आपने नहीं बनाया, किसी कंपाइलेशन के माध्यम से कर रहे हो, कोई कहीं से मिल जाए, कोई अभी देखना बहुत सारे वीडियोस आएंगे, क्लेम करेंगे मेरे से 80 क्वेश्चन आए हैं, मेरे से 40 क्वेश्चन आए हैं, मेरे से 100 क्वेश्चन आए, इतना ही है तो फिर बताओ ना पेपर, फिर आपका स्कोर अच्छा जाना चाहिए। इस बार तो 75 से 80 के बीच हो सकता है कट ऑफ चली जाए, 75-80 के भी आसपास चली जाए, कोई पता नहीं है, कट ऑफ पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये चीजें हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज का पेपर ये संडे का इस बार हिंदू आया है, इस पर अभी अभी आपको मैं शो करता हूँ आज इस बार जो पेपर आया है यूपीएससी का। अब ये मैं सोचना कि यार पहले टॉपिक आ गया, पेपर आ गया, पेपर तो पहले ही हो चुका है और आज पेपर में आए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, न्यूज हैं जो कि आपसे डायरेक्टली न्यूज़पेपर के अंदर से पूछा गया। न्यूज जैसे पैलियोजिनोमिक्स का कंसेप्ट है, पैलियोजिनोमिक्स आपने सुना होगा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पैलियोजिनोमिक्स हमने बहुत डिस्कस किया है। एरियल मेटाजिनोमिक्स, वहां से प्रश्न पूछा है पैलियोजिनोमिक्स में, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है इस बार, वहां से उन्होंने वो प्रश्न। बट अगर आप जिनोमिक शब्द और इन शब्द के बारे में पता है तो आप इजिली आंसर तक रीच कर सकते हो। वला बेकिया कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार न्यूज़पेपर के अंदर आया है, कुछ समय पहले बहुत न्यूज़ में था, लेकिन अगर अभी कमिंग लास्ट 3-4 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो उसमें वला बेकिया पर, जब डेंगू और इन सब के ऊपर चर्चा हुई थी तो वला बेकिया मेथड पर चर्चा हुई थी। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ये चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप स्टार्टिंग में पढ़ो उसको न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन जो है वो करना शुरू कर दो। और ये नहीं कि 15 न्यूज़पेपर कर रहे हो कि मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ूंगा, मैं लाइव मिंट भी करूंगा, मैं हिंदू भी करूंगा। इसमें होता क्या है कि कोई अगर 5 न्यूज़पेपर आपको पढ़ाएगा भी तो एक न्यूज़पेपर को भी अच्छे से कवर नहीं करेगा। अब उसमें क्या होगा कि ना आप इधर करोगे ना उधर, एक सोर्स को फॉलो करो, एक न्यूज़पेपर है उस चीज को आप फॉलो कर लो अच्छे से, जो स्टैटिक आप पढ़ते जा रहे हो वो पढ़ो, लेकिन उनके बाद आपको अपने प्रिपरेशन में न्यूज एस्पेक्ट को इंक्लूड। न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं कि आप हेडलाइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल टॉपिक्स पढ़ रहे हो। अभी आज का मैं आपसे सेशन लेंगे, इसमें आपके पॉलिटी का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ज्योग्राफी के टॉपिक है, तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है उस स्टैटिक पार्ट के नॉलेज का जो एक्सपेंशन है वो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से कर सकते हो। उसके अलावा और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, ये चीज आप ध्यान, अगर आपने उस चीज को सही से फॉलो, अगर आपको याद हो, अगर आप इस चैनल पे हैं तो मैंने
दो वीडियोस डाले हैं विद इन एग्जाम के एक हफ्ते पहले, दोनों तो सात सात आठ आठ मिनट के वीडियो हैं। एक तो G20 पे मैंने आपके लिए डाला था, G20 का वीडियो है, पढ़ा हुआ है, आप देख लो वीडियो सेक्शन के अंदर, उसमें जो G20 का क्वेश्चन वो आंसर हो जाएगा। क्यों G20 का प्रश्न पूछा है, सिंपल सी बात है, G20 का इंडिया प्रेसिडेंट है। दूसरा जो आपके पास मैपिंग वाले क्वेश्चन है, तो एक वीडियो मैंने आपके लिए डाला था 200 प्लेसेस इन न्यूज, अब वो 200 प्लेसेस इन न्यूज में स्पेसिफिकली वो सारी जगहें कवर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछी गई, ये चीज ध्यान में रख। और अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाओ तो कचिन ये सब जो जगहें हैं, ये टिगरे है, जो टिगरे और ये सब नीचे जैसे यूथोपिया का जो इलाका है वहां पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, तो उस पर भी आज से 1.5 साल पहले चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में थी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरमेंट, ये सात जो बातें मैं अभी बोल रहा हूँ ना, 2022 में सेम चीजें बोल रही थी। इस समय फिर क्या होगा कि हम बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज देख लेंगे, उसमें फिर वो ऐसा कुछ बना देंगे कि ये ऐसा है वैसा है, इनकी बात नहीं माननी, उनकी बात नहीं माननी, मैं ही अच्छा हूँ, इस टाइप का कुछ ना कुछ जो है होगा, तो बच्चे अपना फिर से उसी लाइन में शुरू हो जाएंगे। आपको कंटेंट पे वर्क करना है। और जहाँ तक एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड वाली बात चल रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुरानी एलिमिनेशन ट्रिक्स डिराइव की गई थी, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया था, 21 रूल वाला जो वीडियो है मैंने क्रिएट किया था, उसके पीछे जो भी 2022 से पहले जो UPSC ने किया है उसके वो रूल्स आपके लागू हुए थे। लेकिन अगर आप उसमें भी देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन है जिसमें एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है वो लागू होंगी। बाकी कुछ जो एरियाज हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे लागू आराम से हो जाएंगी एलिमिनेशन ट्रिक्स, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में बिल्कुल लागू हो रही है। कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे लागू हो जाती है, लेकिन अगर वो जो उन्होंने पैटर्न जो चेंज किया है तो आपको नई तरीके डेवलप करने पड़ेंगे, मतलब जो पुरानी एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं वो उन पर थोड़ा सा और चीज़ें वर्क करने। एलिमिनेशन ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आपने बस वो जो पुरानी चीज़ें हैं कि हम ये एक्सट्रीम शब्द ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, हमें नई तरीके से चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन जो भी पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नॉलेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है। पहले भी इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो नॉलेज है, नॉलेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है और नॉलेज को सोर्स को डिफाइन करना है। एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियो से आपको बचना है और जो चीज़ें हैं, चाहे आप स्टैटिक अच्छे से कर रहे हो, स्टैटिक को अच्छे सोर्स हर चीज़ में, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सब में अच्छे सोर्सेस को फॉलो करो। और साथ में एक न्यूज़पेपर को, जैसे मान लो UIS से आप जोड़ते हो तो जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करना, मतलब UPSC रेलिवेंट डिस्कशन होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल डिबेट उठा लिया उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शो करूंगा कि उस पर डिस्कशन हुए हैं, न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं वहां से इन्होंने प्रश्न बना रखे हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन जो रेंज है वो 2 साल की, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का ये लोग कवर कर रहे हैं, जो रेंज है वो लगभग 2 ईयर्स का जो है वो कवर कर रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो, तो जब भी आप, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो जब भी कोई टॉपिक को करो तो उसको ये मत समझो कि ये करंट अफेयर्स है तो लास्ट में कंपाइलेशन कर लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे आयरन फोर्टिफिकेशन में मेंस में प्रश्न आने के चांसेस बन जाते हैं, तो क्या करना है, आयरन फोर्टिफिकेशन टॉपिक न्यूज़ में तो साइंस कैटेगरी में उसको नोट कर लो। कोई टॉपिक है ना उसको अपने उस जो नोट्स प्रिपेयर करो उसको सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करो, ना कि आप जो है एक तरीके से आप करंट अफेयर्स के नाम पे डेट डाल के और फिर प्रिपेयर कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग जो जरूर से ध्यान में रखो। और ये बार बार चर्चा होती है, फिर अब वो होता है इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, अब फिर किसी इधर उधर जो है हम लग जाते हैं, फिर वही कंटेंट, खासतौर से हिंदी माध्यम के बच्चे उनको ज़्यादा ये सब फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो कंटेंट चाहिए, रिक्वायर्ड कंटेंट है, जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उस पर डिस्कशन कम से कम होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप जो भी सोर्स आपको अच्छा मिले, UPSC रिलेवेंट अगर डिस्कशन हो रहा है तो उसी कंटेंट को कवर करो। और एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे एक एक्स सोर्स को इसके माध्यम से करना है, बाकी खुद की पढ़ाई हमें करनी है। ये चीज़ अगर हम फॉलो करें अच्छे से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जहां तक बात हो गई एलिमिनेशन ट्रिक्स की, एलिमिनेशन ट्रिक हैज बीन एलिमिनेटेड, ये है वो है, तो आप क्या खाली एग्जाम एलिमिनेशन ट्रिक के बेसिस में थोड़ी ना देने गए थे? एलिमिनेशन ट्रिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें जो एकन रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो लागू होता, अभी भी लागू हुआ है। अब होगा मैं वीडियो बना दूंगा उसमें, कोई पता नहीं क्या यूपीएससी वाले भी देख लेते हैं या कहीं से उनकी टीम है कहीं से देख लेगी, अब वो अगली बार से वो भी नहीं आएगा तो क्या, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो जो पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान, बट हाँ नॉलेज को अपने सप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे वर्क करना है और उस पर मैं डिस्कशन करूँगा एक एक करके हम लोग डिस्कशन। एटलीस्ट जो 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत चीज़ें हैं कि हम जो चेंजिंग पैटर्न है उस चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको शो करता हूँ कि यूपीएससी ने इस बार जो प्रश्न पूछा है ना, इस बार 2 प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आंसर यहाँ पे आज ही के न्यूज़पेपर में, मतलब आज का नहीं है ये, कुछ टॉपिक जो संडे का है, संडे का सेशन हमारा नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे आप देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, हाँ देखो ये स्क्वायरल है, ये स्क्वायरल का टॉपिक है, इस बार इंडियन स्क्वायरल टॉपिक था। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो किस तरीके के टॉपिक कवर होते हैं, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए भी हिंट मिल जाएगा। स्क्वायरल के ऊपर पूछा हुआ है, ये देखो ये आर्टिक स्क्वायरल्स के ऊपर है ये प्रश्न है, ये स्क्वायरल के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने ये चीजें पढ़ ली आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे इसमें मेंशन है कि वो किस तरीके से आर्टिक स्क्वायरल रहती है, तो आपको कुछ एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा इन सबसे रिलेटेड। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये माउंट एवरेस्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे माउंट एवरेस्ट पे क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे माउंट एवरेस्ट पे क्वेश्चन है तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इस लाइंस को अगर आप पढ़ोगे ढंग से समझोगे अपने आप को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला क्वेश्चन एनवायरमेंट वाला आया था जिसमें एक्सट्रीम एनवायरमेंट और ये सब है, तो वहां से आपको 2 स्टेटमेंट के आंसर मिल जाएंगे। इस पर एसिड वाला स्टेटमेंट नहीं है लेकिन 2 स्टेटमेंट का आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ स्टेटमेंट आपके सही है। तो ये देखो 2 क्वेश्चंस के आंसर इस पेपर में, ये 2 रिसर्च जो आई हैं वहां से आपको मिल रहा है। अब हम नहीं पढ़ेंगे इनको, कवर करने के लिए ना कोई पढ़ाता भी है ना आपको, तो उसको भी दिन भर या दिन हर दिन अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। नहीं करोगे क्योंकि हम उनको फॉलो करेंगे तो पुराने जमाने की पढ़ाई होती रहती है। ज्ञान से जो जैसे बहुत ज़्यादा जो हमें ज्ञानी बाबा बनने का जरूरत नहीं है, ये नहीं है। आपका जो लॉयलिटी होनी चाहिए वो कंटेंट के प्रति होना चाहिए, जो कंटेंट आप कवर कर रहे हो उसके प्रति आप लॉयल रहो। कोई पर्सन है या नहीं है वो आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, आप वो कंटेंट जहां अच्छा मिले उस कंटेंट को फॉलो करो, सोर्स डिफाइन आप कर लो, खुद की सेल्फ स्टडी करो। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको शो किए कि देखो स्क्विरल के ऊपर है, ऐसी चीजों पर बातें पेपर में आ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बातें पेपर में आ रही है, वोलाबेचिया के ऊपर बातें पेपर में आ रही हैं, बायोफिल्टर्स के ऊपर बातें पेपर पे आ रही हैं। अब बायोफिल्टर्स उन्होंने पूछा कि बायोफिल्टर्स होते क्या हैं, उस पर चर्चा हुई है, उन्होंने उसका एप्लीकेशन एक्वाकल्चर में कर दिया कि है ना। अगर आप देखोगे बहुत समय पहले बायोरिएक्टर्स, अगर अभी आप चाहो तो आप देख लो यहाँ पे लगभग, मतलब अगर आप संडे के हिंदू को भी अच्छे से कवर करो जो रिसर्च आपकी आती रहती है उनको बढ़िया तरीके से कवर करो, 2 साल के देख लो, आपको ऑलमोस्ट एनवायरमेंट के क्वेश्चंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। और मिलने का मतलब ये नहीं होता, देखो जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो, सपोज करो अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, कोई अच्छे टीचर है उनसे आपने पढ़ा तो आपका पॉलिटिक एप्टीट्यूड बना, तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन इजी लेवल के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट के प्रति अपना एक प्रकार से एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया, इसलिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या आप अपने एप्टीट्यूड को डेवलप कर रहे हो साइंस टेक्नोलॉजी के टॉप प्रति, साइंस के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, क्या हम उसके लिए अपना एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं? आंसर इज नो। तो अगर इवन मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन होगा तो भी वो हमें बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट लगेगा। क्यों लगेगा? देखो इकोनॉमी आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, एंड पॉलिटी पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, स्टैटिक किताब भी पढ़ते हो, अच्छे टीचर्स हैं उनसे भी पढ़ते हो, तो उन क्वेश्चंस को आप किसी ना किसी तरीके से टैकल कर सकते हो। लेकिन मान लो साइंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, आईआर के लिए, उनके उन ये ऐसे एरियाज हैं जिन पे बढ़िया बढ़िया और बहुत अधिक प्रश्न इस बार भी पूछे हैं। मैं ज्योग्राफी के भी सोर्सेस आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से इन्होंने, इवन जो सिस्मोग्राफ वाला प्रश्न आया वो भी पेपर के अंदर आया हुआ है, न्यूज़पेपर के अंदर उस पर डिस्कशन हुआ। लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, पुरानी जो एनसीईआरटी उसमें भी वो चीज़ें कवर्ड है। तो स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट वो भी सिर्फ न्यूज़पेपर से, और कोई तरीका नहीं है।
अगर आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से नहीं फॉलो किया तो आप मानो कि 24 में भी बहुत टफ होगा। और उसमें फिर देखो लक फैक्टर है, सिंपल सी बात है, आप दुनिया भर कितनी भी पढ़ाई कर लो लेकिन कंटेंट जो रिक्वायर्ड अगर आपने उसको नहीं पढ़ा और उस चीज़ को नहीं हमने जो है कवर किया और खुद की सेल्फ स्टडी पर वर्क नहीं किया है तो फिर जो आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं सेलेक्ट होने को लक पर देने पर। इस बार कोई श्योरिटी के साथ कह ही नहीं सकता था, सिर्फ वही लोग जो कि मतलब अपने प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी पे जिन्होंने फोकस किया है प्लस न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बना के चले हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं पर थोड़ी आसान रही होंगी। मतलब यहाँ पे ये नहीं है, सिंपल सी बात ये होती है कि ये नहीं है कि आप जो है 140 नंबर स्कोर कर लो, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, बट आप कट ऑफ से 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो अगर आपने अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को इंक्लूड किया है। और ये जो एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस हैं उनसे आपको बचना चाहिए, आपको अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई जो साइंस पर डेवलपमेंट हो रहा है, एनवायरनमेंट पर डेवलपमेंट हो रहा है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर आपकी क्यूरियोसिटी अंदर होनी चाहिए जानने के लिए। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो फिर आप समझ सकते हो चीज़ें हमेशा टफ बनी रहेंगी। ये चीज़ मैं आपको लगातार 2020, 2021, 2022 और आज भी मेरी जिम्मेदारी थी तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी मैं आई एम डूइंग माई वर्क, भले 10, 20, 15 जितने भी बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो लेकिन आई एम डूइंग माई वर्क कि ठीक है इस पेपर के अंदर जो भी यूपीएससी रेलिवेंट चीज़ें हों वो आपका अच्छे तरीके से यूपीएससी के तरीके जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कवर्ड हों, ना कि एंटरटेनमेंट बेस्ड जो वीडियोज़ हैं हम सिर्फ उसी पर वर्क करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एक बार देख लो, सुप्रीम कोर्ट ऑन डिफॉल्ट बेल, एक तो ये पॉलिटी का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विद पॉलिटी, एक टॉपिक जो आपके लिए फ्रेम होता है दिस इज अ पॉलिटी टॉपिक, पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, ठीक है। हायर एजुकेशन के ऊपर एक टॉपिक है, हिस्टेरेक्टोमी करके एक टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, एनवीएस 01 की बात करें तो ये भी साइंस का टॉपिक है, आयरन फोर्टिफिकेशन साइंस का टॉपिक है, अफ्रीकन वर्सेस एशियन चीता, इस पर देखो कई कंसेप्ट आएंगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी के मेंस में भी इस पर जो एक कंसेप्ट आया जिसे हम कहते हैं स्पेशल इकोलॉजी, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज स्पेशल इकोलॉजी, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर पर्सन इन न्यूज है, फिर एक देखो ये कॉफी के ऊपर एक ये टॉपिक आपका आता है, दैट इज चिकोरी करके एक है, ये क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स इन माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है वहां पे जो माइक्रोब्स है वो, स्क्वेरल्स एंड क्लाइमेट चेंज, स्क्वेरल्स जैसे इस बार भी प्रश्न आया था, सॉइल माइक्रोबायोटा क्या है, तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर पे प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। सॉइल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इस पर भी जो है सॉइल बायोडाइवर्सिटी पर भी एक अच्छा प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, ठीक है। सो शुरू करते हैं, मेंस का क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए फ्रेम नहीं करवाया क्योंकि पुराने थोड़ा सा टॉपिक्स आज कवर करने थे। शुरू करते हैं, फ्रॉम मास्टर ऑफ द रोस्टर टू द मास्टर ऑफ ऑल जजेस, तो यहाँ पे देखो इन्होंने अपना कुछ ओपिनियंस दिया बट मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए इसमें जो निकाला है जो कि पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा डिफॉल्ट बेल के ऊपर, डिफॉल्ट या स्टेटरी बेल भी हम कहते हैं, तो वो दो चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिस पर पॉलिटी का प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंटेक्स्ट देखते हैं उसके बाद वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से जो है सब्सक्राइब आपको जरूर से करना है। तो यहाँ पे देखो देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज डिफॉल्ट बेल या स्टेटरी बेल, क्या होती है ये सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो जो कोई पर्सन है अगर उसने कोई क्राइम किया उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता, अब जो है अगर आप देखोगे जो पर्सन अरेस्ट होता है उस पर्सन को जेल में आप कुछ समय तक रख सकते हो, तो वो डिपेंड करता है क्राइम पे, जैसे कुछ बड़े UAPA और ऐसे हैं तो उसमें बहुत दिनों तक रखा जा सकता है 180 डेज और इस टाइप से, कुछ में 90 डेज रखा जा सकता है इस टाइप से है। तो क्या होता है कि ये जो पर्सन है उसको अरेस्ट किया पुलिस ने और एक टाइम पीरियड तक उसको जेल में रखा, वो टाइम पीरियड तक जो जेल में रखा जाता है उसमें पुलिस के पास ये एक जिम्मेदारी होती है कि उस टाइम पीरियड, वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के विदिन जो चार्जशीट है उसको दायर करना, चार्जशीट में एविडेंस और सब कुछ होता है कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर क्राइम को किया है। जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, उस टाइम पीरियड जो आपका ख़त्म हो रहा है उस टाइम पीरियड के बाद जो पर्सन है, जैसे सपोज करो 90 डेज के लिए जेल में रखा है, 90 डेज तक चार्जशीट दायर करनी है
अगर 90 डेज तक चार्जशीट दायर नहीं की है तो जो पर्सन है वो एलिजिबल हो जाता है, जिसको जेल में रखा गया है, कि वो डिफॉल्ट बेल या फिर स्टेटरी बेल के लिए क्लेम कर सके। ठीक है, डिफॉल्ट बेल या स्टेटरी बेल के लिए जो है एप्लीकेशन दायर कर सकता है। ये सो मोटो नहीं होता, ये इट मीन्स वॉट, उसे एप्लीकेशन दायर करना चाहिए। जब वो एप्लीकेशन दायर करेगा बेल के लिए कि मुझे छोड़ा जाए, तो उसमें क्योंकि वो टाइम पीरियड आपका टाइम पीरियड तक वो जेल रह चुका है, तो कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो फिर उस पर्सन को बेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये जो कोर्ट है, इस केस में क्या हाईलाइट किया गया है कि ये जो छाबरिया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, थोड़ा सा याद रखना, इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि जैसे जनरली क्या होता, मान लो किसी को 90 दिन के लिए आपने जेल में रखा, उसके बाद आप क्या करते हो कि जो चार्जशीट है थोड़ा बहुत उसमें कुछ, मतलब पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करके कुछ चीज़ें जो प्रिलिमिनरी लेवल पे होती हैं उसको सामने रख दिया और फिर उसके जेल टर्म को और इंक्रीज करवा दिया। तो कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि इस तरह अगर आप कंप्लीट चार्जशीट उस टाइम पीरियड के दौरान जो है दायर नहीं करते हैं, तो जो पर्सन को आपने जेल में डाल रखा है तो वो उस पर्सन को डिफॉल्ट बेल या स्टेटरी बेल मिल सकती है, मतलब वो एप्लीकेशन दायर करके कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कह दो कि यार चार्जशीट अभी इतनी ही हुई है और अभी हमें और समय चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट आपका आया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके लिखे हुए तो आप लोग गोत्र हो जाना। ठीक है, अब इसमें देखो ये कुछ एक पॉइंट और एक जो मैंशन है जो कि कोर्ट के कंटेक्स्ट में मेंशन है। ठीक है, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के, अगर जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल पावर। जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर इक्वल इन देयर जुडिशियल पावर। आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर आ रही है? जस्ट लेट अस नो। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखना कि जो यहां पर एक पॉइंट और याद आपको याद रखना है कि जो जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे हैव द इक्वल जुडिशियल पावर। एक तो ये है, जो सीजीआई है उनके पास स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, जैसे किसको जो बेंचेस का गठन होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं तो कौन जजेस आपके होंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का गठन करना या दूसरी बेंचेस का गठन करना, वो एक्स्ट्रा पावर होता है। तो मतलब आप ये समझो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्सेस जजेस, जो दूसरे जजेस, स्टेटमेंट आपके लिए बन सकता है कि सीजीआई जो होते हैं उनके पास और दूसरे जजेस के पास सेम जुडिशियल पावर होता है। जो जुडिशियल पावर है वो आपका सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बेसिकली जुडिशियल पावर की जगह जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो आपका वैरी करता है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो आपका वेरी करता है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सीजीआई का ज्यादा होता है, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो उन्हें सीजीआई जो है मास्टर ऑफ द रोस्टर उन्हें कहा जाता है, और फर्स्ट अमंग द इक्वल्स के रूप में कंसिडर किया जाता है अगर दूसरे जजेस के, उनके पास हायर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। द वोट और द पावर गिवन टू सीजीआई सेम एज दैट गिवन टू इट्स कैंपेनियन जजेस। मतलब जो जुडिशियल पावर की बात करें, जो वोटिंग पावर की बात करें, मान लो सपोज करो आप देखते हो कई बार कोई जजमेंट आता है, सपोज कोई जजमेंट आता है तो उस जजमेंट में होता है 3-2, ऐसा होता है ना कि तीन जजेस ने ये बोला और दो जजेस ने ये बोला, तो तीन जजेस ने जो बोला वही आपका फाइनल जजमेंट होता है, इस प्रकार का वोटिंग होता है। तो उसमें जो जजेस का वोटिंग है उसका अगर आप देखें तो सभी जजेस का सेम होता है, ऐसा नहीं है कि सीजीआई के जो सीजीआई अगर वोटिंग करते हैं, मतलब सीजीआई का जो जजमेंट है उसको उनके द्वारा जो बात रखी गई है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी कंपेयर टू द अदर जजेस, ऐसा नहीं है। तो इवन जो वोटिंग एस्पेक्ट है उसमें इक्वल होता है, जुडिशियल पावर इक्वल होता है। इट्स ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो कि हायर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपका सीजीआई का ज्यादा होता है। अब ये चीज आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। हम आज से 2 साल बाद इस पे प्रश्न बना लिया तो क्या करोगे, या अगले साल ही बना लिया तो क्या हो, या पता नहीं हो बोले बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन, टीचर्स हायर एजुकेशन। तो देखो एजुकेशन एक बड़ा टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, अगर आप देखो कि तो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन एस्पेक्ट, ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है एजुकेशन। अब इसमें देखो सिंपल सी जो इन्होंने डेटा मेंशन किया है, कुछ बातें मेंशन की, जैसे एजुकेशन पे कई बार प्रश्न आता है, कभी मान लो स्कूल लेवल की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन या एजुकेशन इन जनरल किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो जीएस पेपर 2 एजुकेशन के अंदर आप नोट कर सकते हो। और इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि फैकल्टी की शॉर्टेज,
ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि इवन बहुत सारे जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में क्या है कि जो फैकल्टीज हैं उनकी शॉर्टेज है, और ये जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज की वजह से यू कैन से कि जो हम नॉलेज अपना जो हमारा जो नॉलेज सेक्टर है दैट इज अफेक्टेड, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे हम विश्व गुरु और ये सब की बात अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट जो गुरु, पहले आप अगर हम विश्व गुरु बनना चाहिए तो पहले तो ये तो समझो कि जो गुरु हैं या टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में तो बने, तो अभी यूनिवर्सिटी में ही गुरु नहीं है और तो विश्व गुरु बनना तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो पहली चीज़ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फैकल्टीज की शॉर्टेज, हमारा जो नॉलेज सेक्टर डेवलप होगा। अब जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेस लेकर आना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है, ठीक है, तो अगर हम फिर वही पुरानी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, यूपीएससी में भी सेम चीज़ हो रही है कि वही पुरानी चीज़ हम करते जा रहे हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे पूछ पकड़ के चल रहे हैं और यूपीएससी आगे आगे भाग रही है। तो वो चीज़ थोड़ा सा अगर हम समझें न्यूज़पेपर के माध्यम से वो हो सकता है तो हमारे लिए भी आसानी होगी। और इवन हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ भी ये इस चीज़ को हाईलाइट किया, इवन जो डेटा कलेक्ट किया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का, नंबर ऑफ़ फैकल्टी मेंबर्स का, वो भी सही से नहीं आता है, तो ये जो डेटा है तो उसको भी थोड़ा सा क्या है कि जो भी डेटा, जैसे मान लो कि कितने यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टेज है कितने, तो वो फैकल्टी मेंबर्स को तुरंत रिक्रूट करना, तो वो भी डेटा कॉलेज के द्वारा सही से रखा नहीं जाता है और उसको कोई ऑडिट भी नहीं करता। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर उसको ऑडिट करे कि इनके द्वारा जो डेटा दिया गया वो सही नहीं है, इतने फैकल्टी मेंबर्स की ज़रूरत है, तो फिर चीज़ें स्टेप्स आपके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार हमने पहले भी डिस्कस किया है हिस्टेरेक्टोमीज, ठीक है, हिस्टेरेक्टोमीज, तो ये जीएस पेपर 3 साइंस के अंदर एक टॉपिक है। वुमेन रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जैसे ह्यूमन पेपिलोम वायरस है तो जिसपे सर्विकल कैंसर है, अब इसी प्रकार से ये एक टर्म यूज होता है जिसे हम हिस्टेरेक्टोमी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है जिसके माध्यम से जो वोम है, ये यूट्रस है, वुमेन का जो यूट्रस है उसको रिमूव किया जाता है। अब इसमें देखो ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ कही गई कि आप इस पर ऑडिट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये जो हिस्टेरेक्टोमी ट्रेंड्स हैं या जो सर्जरी की आपकी की जा रही है उस पर थोड़ा सा ऑडिट करना किस प्रकार से हो रही है सब देखना जरूरी है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने में भी जो आर्ग्यू हुआ उसमें कहा गया कि वुमेन जो मार्जिनलाइज्ड लोकेशंस के अंदर है वहाँ पे सही तरीके से जो हिस्टेरेक्टोमीज हैं वो सही से आपके नहीं की जाती, और की भी जाती हैं तो उसमें पैसे का गेन और एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। तो जनरली कह देंगे कि जो चीज़ें मतलब दवा से ठीक हो सकती है किसी से, तो उसमें फिर बोल देंगे सर्जरी करना है, और सर्जरी क्यों करना है, वो तो सर्जरी कर देंगे 2 मिनट में, उसमें उनको क्या है कि वो ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, कमाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। अब यहाँ पे आप सोचो कि जो हिस्टेरेक्टोमी है जिसे वो मतलब जो बच्चादानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो जो रिमूवल है सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द वोम या यूट्रस जिसे हम कहते हैं उसके रिमूवल के प्रोसेस को वी कॉल इट एज हिस्टेरेक्टोमी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अब हाईएस्ट परसेंटेज जो हिस्टेरेक्टोमीज हैं वेयर टू ट्रीट, जैसे जब हिस्टेरेक्टोमीज की हम बात करते हैं मतलब ये क्यों की जाती है, जो सर्जरी क्यों की जाती है, मान लो ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या बहुत सारे ऐसे रीजंस मेंशन है, कोई सिस्ट बन गया, गांठ टाइप बन गई, तो वो एक बड़ा फैक्टर आपका जो है कहा गया। और कई स्टडीज ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मतलब जरूरी नहीं कि इन चीज़ों के लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़े, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो दवा के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ये इसी पर फोकस किया गया है कि आप जो काम दवा के माध्यम से किया जा सकता है उसके लिए सर्जरी और फिर उस पूरी चीज को रिमूव कर देना वो ठीक नहीं है, इस पर फोकस आपका किया गया। अब इसमें देखो सरकार ने कई कुछ मतलब स्टेप्स लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग कमिटीज का गठन किया गया जो कि डेटा कलेक्ट करना ये सब चीज़ों का काम आपका करना, उसके अलावा अवेयरनेस जनरेट करना उसके लिए भी कमिटीज का गठन आपका किया गया है पेशेंट प्रैक्टिशनर्स उनके प्रति अवेयरनेस जनरेट करना, एंड कई चीज़ों पर है कि बॉडीली ऑटोनॉमी रोल ऑफ यूट्रस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब ये बॉडी का इतना वुमेन बॉडी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसके प्रति ऐसा जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मतलब इस प्रकार की सर्जरी जो चीज़ दवा से सही हो सकती है उसके लिए हम सर्जरी कंटिन्यूसली करते रहें तो वो भी ठीक नहीं है। फिर कई प्रकार की स्कीम जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये हेल्थ कवर प्रोवाइड करता 5 लाख का फॉर 1949 प्रोसीजर जिसमें हिस्टेरेक्टोमीज भी। अब देखो यही प्रॉब्लम भी यही होती है, जैसे मान लो
सिंपल सी बात है, वो सर्जरी है, अब उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब उसको ये पता है कि यार इसकी सर्जरी अगर कर दी जाएगी तो फिर ये इस स्कीम के माध्यम से इतना पैसा हॉस्पिटल वालों को मिल जाएगा। अब ये जो थिंकिंग है इस पर देखो इथिक्स की ज़रूरत है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग मे बी ना करें, तो ये इथिकल आस्पेक्ट बन जाता है। लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ को देखना कि जो चीज़ बहुत लेवल पे अगर दवा के माध्यम से की जा सकती है तो वाई वी आर फोकसिंग ऑन इस सर्जरी की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेडिकल इथिक्स पे कोई प्रश्न आता है, इथिक्स जो एक टॉप आपका एक इंपॉर्टेंट पेपर है GS Paper 4 में, तो उसमें अगर आप मेडिकल इथिक्स और इन सब पर कभी चर्चा करते हो तो इस पर भी आप बातें आप हाईलाइट कर सकते हो इस फील्ड में। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो GSLV रॉकेट टेक्स नेविगेशन सेटेलाइट इंटू ट्रांसफर ऑर्बिट हॉप पोटेंशियल। अब देखो सक्सेसफुली, अब इसमें देखो कई चीजें आपके लिए सामने आ जाती हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है कि GS Paper 3 साइंस के अंदर हम इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ट्रांसफर ऑर्बिट सक्सेसफुली। तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि इस पर साइंस का अच्छा टॉपिक है, जैसे मान लो GTO क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। क्रायोजेनिक स्टेज है, क्योंकि पहले एक मिशन हुआ था जो फेल हो गया था, फिर उसको हम अपडेट कर। अब देखो ये चीज इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं इस चीज को, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एक तो देखो एक टर्म मेंशन है, दैट इज GSLV, ठीक है। GSLV एक डायग्राम और है क्या, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आपके पास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स के माध्यम से ही जो सैटेलाइट है, जैसे मान लो ये लॉन्च व्हीकल है, इसके माध्यम से सैटेलाइट मान लो इतना सा ये सैटेलाइट है, अब इसको पहुंचाने के लिए 35,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से, जो कि आपकी जिसे हम GTO या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ये मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, ये मशीनरी पूरी आपको चाहिए। तो ये जितनी भी मशीनरी आपको चाहिए, इसे हम लॉन्च, ये आपका लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। अब इसमें ये बूस्टर्स होते हैं, इन्हें हम बूस्टर्स बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है, इनके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। मल्टीपल स्टेजेस का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज करो कि जैसे मान लो आपको जाना है, सपोज करो आपको जाना है जयपुर से केरला जाना है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जयपुर से आप गए दिल्ली, दिल्ली आप बस से गए, फिर दिल्ली से आप कुछ दूर तक जो है फ्लाइट से गए, फिर आप ट्रेन से गए, इस टाइप से, ठीक है। तो आप जयपुर से केरला पहुंचने के लिए आपने अलग मल्टी मोड का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि जो जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो उनकी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड है। पहली बार जब जो भी कोई स्टेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहली बार जब किसी को लॉन्च किया जाएगा, जैसे सपोज करो लॉन्च ये लॉन्च किया जाएगा, तो एक स्टेज में क्या होगा, जो भी सैटेलाइट है या पूरा जितना भी आपका है वो एक डिस्टेंस तक जाएगी, फिर वो टूट के गिर जाएगी, फिर दूसरी स्टेज में फ्यूल बर्न होंगे, फिर इसी तरीके से वो एक डिस्टेंस तक जाएगी, फिर आपका तीसरा स्टेज आ जाएगा। जनरली थर्ड स्टेज आपका क्रायोजेनिक स्टेज होता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक स्टेज का क्या मतलब होता है, ये जो क्रायोजेनिक स्टेज है, तो यहाँ पे जो क्रायोजेनिक स्टेज है इसमें लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, और ये जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन आपकी -253 डिग्री सेल्सियस में होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन आपके -183 डिग्री सेल्सियस में आपका स्टोर किया जाता है। अब ये फिर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये फ्रीज्ड फॉर्म में ये फ्यूल रहते हैं, इसलिए क्रायोजेनिक स्टेज कहते हैं। तो इससे पहले वाला जो मिशन हुआ था उसमें जो क्रायोजेनिक स्टेज जो हमने इंडिजिनस डेवलप किया था, खुद से बनाया था, वो फेल हुआ था, अब वो मतलब सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो अब आपको मान लो खाली आप ये पढ़ के चले गए कि अभी हाल में ही ये लॉन्च हुआ है, तो वहां से वो लोग प्रश्न नहीं बनाएंगे आपसे, क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है और इस टाइप से प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बना देंगे। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना आपका जरूरी आपका बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका अगर आप देखोगे ना, तो दिस इज द क्रायोजेनिक स्टेज, जहाँ पे ये फ्यूल आपका रखा रहता है फ्रीज्ड फॉर्म में, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका रहता है। तो यहाँ पे अभी NVS नेविगेशन जो सैटेलाइट है वो बेसिकली उसको आपका जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में किया गया है, ठीक है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट का क्या मतलब, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान समझना। जैसे मान लो ये है अर्थ सर्फेस, यहाँ से आप गए, ठीक है, लगभग 35,000 किलोमीटर, तो आपका GTO प्रेजेंट होता है। पहले कोई भी सैटेलाइट इस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाती है, फिर उससे आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाती है,
ठीक है, तो कुछ समय तक इस ऑर्बिट में रहेगी जो कि लगभग 35,000 से थोड़ा कम डिस्टेंस होती है, इस ऑर्बिट में ट्रांसफर करके फिर आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जो अर्थ है, जैसे अर्थ है ना, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स आपके हैं, जैसे मान लो ये पोलर ऑर्बिट है इस टाइप से, ठीक है, इक्वेटर के अलावा आपके ये ऑर्बिट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स आपके प्रेजेंट होता है। तो लगभग 35,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है वहां से अर्थ के सरफेस से, वो जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस आपकी प्रेजेंट होती है वो है, उसे हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। अब यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये 9th फ्लाइट है विथ इंडिजिनस क्रायोस्टेज। क्रायोस्टेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये इंडिजिनस मतलब हमने खुद से बनाई है। ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट है, ये तो मतलब ये तो कोई नहीं पूछेगा। और ये जो NVS 01 की अगर हम बात करें तो ये अपने साथ नेविगेशन पेलोड को कैरी करता है। पेलोड का मतलब जो चीजें, जो सामान ये अपने साथ कैरी करता है, तो नेविगेशनल पर्पस के लिए जो है इस सैटेलाइट का लॉन्च किया गया। तो ये जो सैटेलाइट NVS 01 है, दिस इज रिलेटेड विद द नेविगेशन। जैसे इस बार भी अगर आप देखोगे ना, प्रश्न पूछा था कि कौन सा देश है जिसके पास खुद का नेविगेशनल है, ऑपरेशनल नेविगेशनल सैटेलाइट, जिसका आंसर जापान था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि NVS 01 क्या है, ये नेविगेशन पेलोड आपका कैरी किया, साथ में एटॉमिक क्लॉक ये है आपका, इसने साथ में आपका कैरी किया। अब इसका वेट इस पर मेंशन है कि लगभग 2,232 kg इसका वेट आपका रहा। एंड यहाँ पे ये फर्स्ट है ऑफ द सेकेंड जनरेशन सेटेलाइट की बात करें तो नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन सर्विसेज NVS सीरीज ऑफ द सेटेलाइट विल बी सस्टेन एंड ऑगमेंट द नाविक इनहेंस्ड फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने, जैसे INS के बारे में आपने सुना होगा, INSS, तो यहाँ पे वो क्या था कि उसमें 7 सेटेलाइट हम लॉन्च कर रहे थे जिसके माध्यम से हमारा जो है एरिया है उससे लगभग 1500 किलोमीटर तक का जो एरिया है हमारे देश का सराउंड करेगा, वहां हम नेविगेशन सैटेलाइट डेवलप कर सकते हैं। तो उन्हीं को और इनहेंस करने के लिए इस सैटेलाइट को भी, आपका NVS सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि ये जो NVS 01 है, इट विल रिप्लेस INSS 1G, इसको ये रिप्लेस आपका करेगा। एंड इससे जो हमारी नेविगेशनल कैपेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक पर्सन इन न्यूज़ के रूप में हम इस टॉपिक को ले सकते हैं। यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो कैग हैं, आप सभी को पता है, एंड हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 4-year टर्म्स फ्रॉम 2024 से 2027। तो WHO में भी एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे न्यू LGBTQ लॉ, युगांडा इम्पोजेस कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पे मतलब कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज किया गया, तो ऐसा कौन सा देश है LGBTQ लॉ के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये हार्शेस्ट लॉ जिस देश में आया है वो युगांडा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चीता इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कंसिडरिंग द स्पेशल इकोलॉजी स्टडी आपकी कहती है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो यहीं से प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे दो टॉपिक बनते हैं, एक स्पेशल इकोलॉजी क्या है और चीता और अफ्रीकन चीता और एशियन चीते के बीच का डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी बन सकता है और प्रीलिम्स में भी बन सकता है। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो तो सेशन को जरूर से शेयर करो और सेशन को जरूर से आप लाइक करो। चलो स्टडी करते शुरू करते हैं। चीता इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कंसीडरिंग स्पेशल इकोलॉजी। अब अगर अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, कुछ न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ जो चीता हैं वो मर गए हैं, किन्हीं का किडनी फेलियर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके पीछे एक चीज़ आप ये समझो कि जो आपका अफ्रीकन चीता है और एशियाटिक चीता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहला देखो, इनका साइंटिफिक नेम देख लो, ये एकिनोनिक्स जुबैटस है, ये एकिनोनिक्स जुबैटस वेनाटिकस है, मतलब डिफर जेनेटिक लेवल पे डिफर करता है। फिर ये अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका से, सदर्न अफ्रीका, इन रीजन में पाया जाता है। ये एशियाटिक चीता अभी सिर्फ ईरान में ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी साइज थोड़े बड़ी है, देखा जाए ये कंपेरेटिवली थोड़ा स्मॉलर साइज का है। इसकी स्किन में देखा जाए तो लाइट ब्राउन से गोल्डन ब्राउन है, इसमें स्किन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये स्किन का डिफरेंस नहीं देखना। इसमें अगर अफ्रीकन चीता वनरेबल कैटेगरी में है, एशियन चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि दोनों में जैसे अगर हम इंसान हैं, लाइक कोई इंडिया में रहता है या कोई अफ्रीका में रहता है, अगर उसको थोड़ा गर्मी में रहने की आदत है
तो अगर उसको नॉर्वे में लेकर जाया जाए तो उसको रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जेनेटिक लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस वजह जिस तरीके से हमारा शरीर इवॉल्व हुआ है, वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द पर्सन लिविंग इन नॉर्वे। नॉर्वे में वो डिफरेंट कर, इसी तरीके से अफ्रीकन चीता के डिफरेंसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन जिस तरीके के हैबिटेट में वो पहले रहा है। तो उसका जो इवोल्यूशन हुआ है जेनेटिक लेवल पे, उसके शरीर की जो संरचना हुई है वो कुछ उसी तरीके से हुई है जिस प्रकार से अफ्रीका की इकोलॉजी है। और उसको जब आप एशियन इकोलॉजी में लेकर आओगे, मतलब एशियन एरिया में लेकर आओगे, जैसे मान लो आप इंडिया में लेके आए, तो वहाँ पे जो हैबिटेशन अवेलेबल है वो डिफरेंट हैबिटेशन आपके लिए अवेलेबल होगा, चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो ये जो डिफरेंस है इसको ही हम इकोलॉजिकल लेवल पे, इसको ही हम स्पेशल इकोलॉजी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी स्पेशल इकोलॉजी शब्द जब आप यूज़ करोगे तो एनिमल और प्लांट में डिफरेंसेस होंगे, कई प्रकार की बीमारियां जो है उसमें डिफरेंसेस होंगे, जो लैंडस्केप है वहाँ की उस पर डिफरेंसेस होंगे, कम्युनिटीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज की वो डिफरेंट होंगी, है डिफरेंट पॉपुलेशन डायनेमिक देखने को मिलेगा, और दूसरे जो पॉपुलेशन है इवन जिनको वो खाते हैं उस पर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। चीता मान लो किसी जीव को खा रहा है तो यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे वो प्लांट डिफर करेगा, ये वो एनिमल डिफर करेगा इन कंपैरिजन अगर वो अफ्रीका में हो। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसी को हम स्पेशल इकोलॉजी भी कहते हैं, वी कॉल इट एज स्पेशल इकोलॉजी शब्द भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो ये कंटेंट इस तरीके का आपको कवर, अभी मैं आपको सिर्फ यही पढ़ा दूं कि ये दो चार लाइन दिखा दे तो वहां से कोई मतलब नहीं होगा, वहां से प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। यही प्रश्न आज से एक साल दो साल बाद आ जाएगा, फिर आपको लगेगा पता नहीं कहां से आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आयरन फोर्टिफिकेशन, इस पर हमने चर्चा की हुई है, ये रिपीटेड है, फिर से पिछले संडे को भी आया था, इस बार भी इन्होंने प्रश्न बना लिया, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए इस बार भी इस एरिया से कोई प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसमें जो बातें लिखी हैं पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग गो थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप फोर्टिफिकेशन शब्द की बात करते हो ना, व्हेन यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन, इट सिंपली मीन्स मान लो कोई भी वीट है, राइस है, कोई भी ऐसी चीज है, इसमें जब आप किसी न्यूट्रिएंट का एडिशन करते हो, न्यूट्रिएंट का, तो उसे हम फोर्टिफिकेशन शब्द, जैसे मान लो राइस है, राइस में आपने आयरन ऐड कर दिया, ये क्या, इसे हम फोर्टिफिकेशन कहेंगे। जब आप राइस खाओगे तो फिर आयरन जो है आपके शरीर में जाएगा, क्योंकि आप जैसे मान लो सॉल्ट है, सॉल्ट में वैसे आयोडीन नहीं होता बट आपने आयोडीन डाल दिया, ये सॉल्ट, ये क्या, इसे फोर्टिफिकेशन बोलेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपके शरीर में आयरन की जरूरत है और आपने इस राइस को खाया, जब आपने इस राइस को खाया आपके शरीर में आयरन की जरूरत है तो आपके शरीर में आयरन पहुंच जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और क्या होती है, ठीक है, एक और चीज क्या होती है जो ध्यान से समझना है, कि जब आपके शरीर में ऑलरेडी आयरन प्रेजेंट है और आप इस राइस को खा रहे हो जिसमें आयरन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये होगा आयरन, इट विल रिजल्ट इनटू आयरन टॉक्सिफिकेशन, मतलब वो आपके लिए जहर का काम करेगा। अब ये जो है आपको बहुत सारी बीमारियां कर सकता है, जब कोई चीज ज्यादा होती है वो आपके शरीर को नुकसान करेगी। आयरन की आपको जरूरत है हीमोग्लोबिन को बनाने में, एनीमिक जो हो जाते हैं हम लोग, है ना, तो उससे बचने के लिए आयरन की जरूरत है, तो एक लेवल तक जरूरत है। अब वो बहुत ज्यादा हो जाए तो इट विल रिजल्ट इन टू टॉक्सिफिकेशन, ये टॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते। अब इसमें देखो बहुत सारी जो कंपनीज है ना वो फोकस कर रही है, फोर्टिफिकेशन इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, कंपनी बहुत लॉबी भी बना रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जब आप नेचुरल प्रोडक्ट से हटके, नेचुरल प्रोडक्ट के हटके केमिकल्स का कंज्यूम करोगे तो आपकी शरीर की जो केमिस्ट्री है ना, बॉडी की केमिस्ट्री, उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी बॉडी। अगर आप देखोगे तो बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शंस आपके शरीर के अंदर होते हैं, बहुत तरीके के रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस आपके होते हैं, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो भी आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आपके शरीर के अंदर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि कोई भी न्यूट्रिएंट, चाहे आयरन हो या कोई भी न्यूट्रिएंट, अगर बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर पहुँचेगा तो वो एक जहर का काम करेगा। इट विल अफेक्ट द मेटाबॉलिक आस्पेक्ट, इट विल अफेक्ट द मेटाबॉलिक आस्पेक्ट जो है उसको आपका अफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
यही सारी बातें हैं लिखी हुई हैं। तो जैसे मान लो इसमें मतलब लिखा हुआ है कि ज़्यादा आयरन खाने से क्या होगा, आपका जो पेट में इंटेस्टाइन है उसमें लाइनिंग है वो अफेक्ट होगी, इवन जो आपके जैसे मान लो कई कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। तो यही सारे कई सारे इस पे इम्पैक्ट आपके मेंशन है, ठीक है? तो इसको आप रीड कर लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जिसे आप ज्योग्राफी और इस सब में भी मेंशन कर सकते हो, कॉफी के बारे में। अब आपको कोई भी किताब में इसके बारे में नहीं बताएगा, अब कोई टीचर होंगे ज्योग्राफी हो के, मान लो यूपीएससी के लिए प्रश्न बनाना है तो यहीं से बना देंगे, फिर आपको लगेगा यार पता नहीं कहाँ से इतना टफ पेपर कहाँ से बना दिया, कहाँ से कैसे हो गया, क्योंकि इस चीज़ को कौन फॉलो करेगा, फॉलो करोगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा देखना है, मेंस में भी ये पेपर टू पेपर थ्री में यही स्ट्रेटजी ये लोग फॉलो कर रहे हैं, सेम सी चीज़। अगर आप इस चीज़ को ये, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, 22 में भी कर रहे हैं, 21 में भी कर रहे हैं, 24 में भी करेंगे, 25 में भी करेंगे, सेम सी चीज़ें ये लोग करना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आपने सभी ने सुना होगा साउथ इंडिया की जो कॉफ़ी होती है, अब आपको लगे यार मैं क्यों पढ़ूँ इसके बारे में, मुझे क्या फ़ायदा है इससे पढ़ने से। अब यहाँ पे देखोगे, पहले तो ये फैक्ट इसमें मेंशन है कि इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वर्ल्ड का, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और हॉन्ड्रस के बाद। तो ये एक जोग्राफिकल फैक्ट आ गया है ना, जिसे इस बार कोबाल्ट का पूछा था, कोबाल्ट पे आया था, ठीक है? आप लोग लिथियम करके गए थे, कोबाल्ट पर भी पेपर के अंदर आया था। तो इसी तरीके से देखो कॉफ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, इंडिया ने इतनी कॉफ़ी प्रोड्यूस की है, कितना प्रोड्यूस किया हमको मतलब नहीं है, बट ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में कॉफ़ी का प्रोडक्शन आपका होता है, ठीक है? ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलता है, दैट इज ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, और इंडिया क्या है, 6th पोजिशन है। अब कॉफ़ी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, जैसे कई प्रकार के हार्मफुल आप मानो कि रेडिकल्स या चार्जेस आपके सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको काउंटर करने का काम एंटीऑक्सीडेंट का होता है, अदरवाइज जो सेल की लाइफ है वो खत्म हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन होते हैं। तो अब आपसे ये बन सकता है प्रश्न कि कॉफ़ी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट। आप सोचोगे कॉफ़ी में दूध होता है और चीनी होता है, यही सोचोगे, बट और भी चीज़ें होती हैं, विटामिन एंड मतलब ये सब डाल के कॉफ़ी बनती है। तो आप समझो कि कॉफ़ी जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या है। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि हमारे स्टमक जो सेल्स हैं, स्टमक्स होते हैं जो पेट है उसमें कुछ सेल्स हैं, उसमें कई प्रकार के, क्योंकि एंटीऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में है, तो बहुत सारे जो डैमेज है सेल्स का, जो डैमेज होता है ऑक्सीडेशन फैक्टर की वजह से, मतलब जैसे मान लो कि एक टर्म होता है जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, तो जो कुछ चार्ज्ड कंपोनेंट होते हैं, कुछ आपके प्रेजेंट होते हैं जो चार्ज रेडिकल्स, उनको काउंटर करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको रोकने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है, जो कि कॉफ़ी के अंदर आपका प्रेजेंट है। इवन टाइप 2 डायबिटीज से बचाने का काम आपकी जो है वो करती है। अब ये सारी जो प्रॉपर्टी आपकी प्रेजेंट है, अगर आप देखें तो इसमें स्पेसिफिकली एक पाउडर होता है जिस प्रेजेंट होता है, चिकोरी पाउडर जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये जो चिकोरी है ये एक हर्ब है। अब आपसे ये पूछ सकता है, जैसे इस बार भी एक पूछा था ना किसी कंप्यूटर, तो हर्ब है ये, ठीक है? तो ये यूरोप में, एशिया में प्रेजेंट होते हैं, इसके रूट में इनुलिन प्रेजेंट होता है जो एक स्टार्ची सब्सटेंस, स्टार्ची जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है ना, तो एक स्टार्ची सब्सटेंस होता है, इनुलिन शब्द इसके लिए हम कहते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में यह पाया भी जाता है, वीट, ओनियन, ये सब में आपका पाया जाता है, एंटीचोक्स, एस्पैरागस, बहुत सारे इसमें पाया जाता है, और आप कह सकते हैं कि इवन स्वेलिंग को रिड्यूस करने में इस पाउडर का काम होता है, ये हर्ब की अगर बात करें चिकोरी, तो ये साउथ इंडियन कॉफी जो होती है उसमें ये भी प्रेजेंट होता है, ये पाउडर आपका चिकोरी पाउडर भी प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे बीटा कैरोटीनेट में भी अच्छा कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट आपका होता है, और इसी की वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपकी देखने को मिलती है कॉफ़ी में। तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये लाइन भी याद रखो कि जो चिकोरी है इट डज नॉट कंटेन कैफिन, ये कैफिन आपका नहीं प्रेजेंट होती, बिकॉज अगर इसमें कैफीन प्रेजेंट होगी तो देखो कैफीन की वजह से ही रेस्टलेसनेस या कई बार नींद ना आना ये देखने को मिलता है, तो उसके लिए कैफीन जिम्मेदार। अगर कोई सोने से पहले कॉफ़ी पी ले, सोचे कि यार मैं पढ़ लेता हूँ और कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी आप रेगुलर हैबिट बना लेते हो, तो फिर वो आपका ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो उसके प्रति बहुत एडिक्टिव हो जाएंगे और फिर आपको रात को नींद ना आना और ये सब दिक्कत जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 2 साइंस के अंदर आएगा। अब देखो इसी से इस बार प्रश्न भी था, या आप देख लो, इस बार प्रश्न देखोगे ना,
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट दिए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो दो स्टेटमेंट उनमें से, थर्ड स्टेटमेंट छोड़ दो, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट छोड़ दो, और दो तीन स्टेटमेंट्स का एप्टीट्यूड जो आपको चाहिए वो इस आर्टिकल से हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था आर्टिक परमाफ्रॉस्ट के बारे में। परमाफ्रॉस्ट है तो उसमें बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया रिलीज हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो है कंपोनेंट, मतलब क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, इस टाइप की चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब उसी अंडरस्टैंडिंग पे उन्होंने प्रश्न बना दिया। तो ये चीज़ें ही आपको थोड़ा सा अपने एप्टीट्यूड को इस एरिया में डेवलप करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नई स्टडी के अकॉर्डिंग ये हाईलाइट किया गया है कि जो ह्यूमंस हैं कि अगर देखा जाए तो दे आर लिविंग बिहाइंड अ फ्रोजन लेगेसी ऑफ हार्डी माइक्रोब्स ऑन माउंट एवरेस्ट विच कैन विथस्टैंड। अब जो देखो जो हार्डी माइक्रोब्स होते हैं विच कैन विथस्टैंड हार्श कंडीशन। अब ये जो लाइन है हार्डी माइक्रोब्स, यही तो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कंडीशन में एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव कर नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। तो ये साफ साफ कह रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं दीज हार्डी माइक्रोब्स, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में दे कैन सर्वाइव, बहुत लो टेम्परेचर में, आर्टिक रीजन में बहुत लो टेम्परेचर उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। इन्हें हम हार्डी माइक्रोब्स भी कहते हैं। और बहुत समय तक ये डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, मतलब बर्फ के नीचे पड़े हैं तो पड़े हैं, हजार साल बीत गए इस तरह। जब वो बर्फ पिघलेगी तो रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद आपके शरीर में एंटर अगर कर गए तो कई प्रकार की बीमारियां जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से नए प्रकार के प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है आर्टिक रीजन में जो बर्फ पिघल रही, परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, उसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रिलीज हो रहे हैं और वो रिलीज होकर फिर आपके शरीर को अफेक्ट कर रहे हैं। यही प्रश्न आपके लिए पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ से ये अब आपको ये कोई नहीं पढ़ाएगा ना, हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट यही सब चीज़ें तो पूछी आपके जाते हैं। तो इवन यहाँ पे क्या कहा गया कि देखो ये जो माइक्रोब्स हैं ये वार्म वेट एनवायरनमेंट में लाइक आपके स्प्रेड हो सकते हैं, इवन अपने नोज माउथ कहीं भी ये स्प्रेड हो सकते हैं। इवन डॉर्मेंट जो कंडीशंस हार्श कंडीशंस हैं उस पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हार्डी मतलब एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ये शब्द अगर आपको पता है, एक्सट्रीमोफिलिक मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में जो सर्वाइव कर सकते हैं, टेम्परेचर का किसी भी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो उसमें दे कैन आपके सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहले कहा जाता था एंडीज और अंटार्कटिका रीजन में ऐसे काफ़ी प्रेजेंट है, बट अभी कहा गया कि आर्टिक रीजन का भी कुछ इलाके हैं वहाँ भी, माउंट एवरेस्ट का जो रीजन है वहाँ भी आपका ये प्रेजेंट है। कुछ फंगस विथ जीनस नागा निशिया, ठीक है, तो ये भी कोल्ड और यूवी रेडिएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो यही सब तो यही, अगर आप मान लो ऐसी चीज़ें पढ़ के जा रहे हो तो यही तो प्रश्न था उसमें, यही प्रश्न। और ये पहली बार नहीं आ रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये कई बार आर्टिकल संडे के हिंदू में आ चुका है जिस पे ये प्रश्न बनाया था। अब किसने पढ़ा होगा इसको बताओ आपने, ये अगर आप पढ़ के चले जाओ अब जाके उस क्वेश्चन को देख लो, आंसर कर दोगे। अब आप में से कई लोग कहोगे अरे सर ये पेपर, ये संडे का टॉपिक है, ठीक है, संडे को हमारा सेशन नहीं हो पाया था। अब आप कहोगे सर संडे, अभी पेपर पहले आ जाता है, संडे का पेपर बाद में। अब आप कहोगे सर वो पेपर तो उसी दिन था, उसी दिन आया, ऐसा नहीं। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आर हार्डी माइक्रोब्स, एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, आर्टिक रीजन, परमाफ्रॉस्ट का जो ये रीजन में चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट पड़ रही है, सब चीज़ें आपकी रेगुलर बेसिस पे मतलब एग्जाम की अगर हम बात मतलब रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। तो ये यही चीज़ आप अगर आज सीख लो कि मुझे न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसको उसके माध्यम से करना है, अगर आपने ये चीज़ आज सीख ली तो आपको 24 में हेल्प मिलेगी एटलीस्ट, जो कट ऑफ है उससे 15-20 नंबर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज फिर वही कहानी जो है वो चलती रहेगी, वो सालों साल चलती रहेगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टैप्रोलोकोकस है, ये स्किन नोज बैक्टीरिया के रूप में है, स्टैप्रोकोकस की बात करें तो ये ह्यूमन माउथ और इन सब में भी आपके मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट का टॉपिक है, स्क्विरल के ऊपर है, फीमेल आर्टिक स्क्विरल के ऊपर है, ये एक टॉपिक है आपका, दैट इज फीमेल आर्टिक स्क्विरल, ठीक है। देर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज फीमेल आर्टिक स्क्विरल के ऊपर एक ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। अब यहाँ पे देखो इंडियन स्क्विरल पे प्रश्न इस बार प्रीलिम्स में आया हुआ था, तो जो अलास्का का परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो बर्फ है वो बर्फ पिघल रही है, मतलब परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है कि जो बर्फ है दो साल से या उससे ज्यादा लैंड सरफेस पर, जैसे मान लो सरफेस है इसमें दो या उससे ज्यादा समय तक बर्फ पड़ी हुई है तो वो परमाफ्रॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अलास्का में जो परमाफ्रॉस्ट है वो एक तरीके से गर्म हो रही है, परमाफ्रॉस्ट गर्म हो रही है, और इससे क्या जो हाइबरनेटिंग, जैसे मान लो ये स्क्विरल्स होते हैं ये
जमीन में जाके, अब आपको ये लाइन मिल गई कि जो स्क्विरल जमीन में जाके, जो आर्टिक स्क्विरल्स हैं जमीन में जाके, और वो हाइबरनेट करती हैं, मतलब हाइबरनेशन का मतलब वो विंटर का पूरा समय डॉर्मेंट स्टेज में, इट मीन्स वो सोती रहती हैं, ठीक है, पहले कुछ, उससे पहले कुछ खा लेंगे और उसके बाद अंदर जो भी शरीर में न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है उसी का इस्तेमाल करके वो जीती रहती है। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, तो इनका जो हाइबरनेशन है दैट इज़ ऑल्सो बींग अफेक्टेड। तो कभी भी क्लाइमेट, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर क्या पड़ता है, ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर का है, जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक आपका बन जाता है, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर का एक अच्छा प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, दैट इज सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, इट सिंपली मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सॉइल के नीचे बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल के न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा देखो कि जो सॉइल माइक्रोबायोटा है, ठीक है, तो जो सॉइल माइक्रोबायोटा मतलब सॉइल के अंदर जो भी माइक्रोब्स आपके प्रेजेंट हैं, तो ये जो प्रेजेंट है ये प्लांट की या ट्री की कैपेबिलिटी, ध्यान समझना कि ये जो है ट्रीज की जो कैपेबिलिटी है, ये जो प्लांट की कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस और इंक्रीज करती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी बाहरी एरिया में बदलाव हुआ है उसको वो फेस कर सके। मान लो एक पेड़ है, वो पेड़ जमीन पे है, जमीन में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, उसे हम सॉइल माइक्रोबायोटा बोलेंगे। अब वो बिकॉज ऑफ दिस सॉइल माइक्रोबायोटा वो जो ट्री है इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ठीक है, ये चीज़ स्टडी आपकी कहती है। तो आपसे कभी प्रश्न आए कि सॉइल माइक्रोबायोटा क्या है, अब इसके ये भी है फर्टिलाइजर जब बहुत अधिक इस्तेमाल हम करते हैं तो सारे के सारे सॉइल माइक्रोबायोटा खत्म हो जाते हैं, तो इससे जो कैपेबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसको फेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी आपके लिए है कि अगर आप इस साल आपने पेपर दिया है, आपका कई लोग का अच्छा भी हुआ होगा, तो यहाँ पे आप समझो कि ये कोर्स मैं आप लोग के लिए ले आऊँ, तो अगर आपने APFC का फॉर्म भरा है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाला अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करो, नीचे लिंक दिया हुआ है, कोड जो यूज करना है दैट इज SPLIBE, ठीक है, ये कोड है तो अमाउंट और रिड्यूस हो जाएगा। इसमें मैं आपके लिए जर्नल साइंस, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वन ईयर करंट अफेयर्स, ये सब पैकेज्ड कोर्स, मतलब इसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 2 जुलाई को आपको पेपर है, ठीक है, नीचे लिंक दिया है, उस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, ये कोड डाल के ज्वाइन कर लेना। आपने अभी हिस्ट्री और ये जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं ना इसके अलावा वो सब आपने अच्छे से कर रखी है, CSAT अच्छे से कर रखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि बस ये चीज़ें अगर आप कर लो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाला जो पेपर आपका होना है UPSC के द्वारा 2 जुलाई को, वो आपका कवर हो जाएगा। मैं ही पूरा आपको लूंगा, मात्र 8 क्लासेस हैं, हर क्लास 3 घंटे की है, और 6 तारीख को आपका पहला कोर्स है, पहला क्लास है, 6th को आपकी फर्स्ट क्लास है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है, कोड यूज करना है दैट इज SPLIVE। इसके अलावा भी आपके पास और भी अच्छा मौका है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 24-25 की, तो 1 ईयर 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसको 50% ऑफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें भी लिंक दिया हुआ है, अगेन यू कैन पुट द कोड SPLIVE, ये कोड आप डाल के दैट इज SPLIVE, इसी कोड को डाल के SPLIVE आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 50% ऑफ का भी लास्ट डेट 31st है, इस बार आप देखो तो 333 सेलेक्शन अनअकैडमी से हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन भी है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं क्वेश्चन मैं आपको दे पाया, बट ऑल दो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन था जिसमें हम लोगों ने सारे जितने भी टॉपिक्स हैं कि 2 दिन सेशन नहीं हो पाया था तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो, तो अपने प्रिपरेशन में आप लोग चेंजेस करोगे और राइट कंटेंट को कवर करने का कोशिश करोगे, ठीक है, ये जरूर से ध्यान में रखने और अपनी जो प्रिपरेशन उसको आप अच्छा करते रहो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, थैंक यू।